तो इधर दूसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश में कम मतदान दर्ज किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में जोरदार वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद को छोड़कर अन्य सभी लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत में साल 2019 के मुकाबले इजाफा दर्ज किया गया है। पिछली बार जहां 74.94% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 75.15% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान प्रतिशत में गिरावट ने जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराजगी जाहिर की है। कम वोटिंग परसेंट को लेकर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक बुलाई है। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में अगले चरण में मतदान में वोट परसेंटेज बढ़ाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। अगले चरण में भाजपा के गढ़ मध्य भारत और मालवा में मतदान होना है। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा मतदान प्रतिशत को लेकर उत्साहित नजर आएगी। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को वोटिंग हुई, जहां पर मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर तो छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद अच्छे हैं, और उसमें यही सामने आया है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस प्रतिशत ज्यादा अच्छी वोटिंग हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो 2019 की तुलना में गिर गया है। तो इसी के बाद में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ गए। हसन, जिस तरीके से शुक्रवार को वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े सामने आए हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बेहद उत्साहित यहां पर भारतीय जनता पार्टी खासकर की नजर आ रही है, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के जो लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हुई, और इस बार सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों में मतदान को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। यदि 2019 की बात करते हैं तो 2019 के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव के जो दूसरे चरण के मतदान है, बंपर वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। बात करते हैं सबसे पहले कांकेर की, जहां पर जिसे नक्सली इलाका माना जाता है, घंघोर नक्सली काफी ज्यादा यहां पर एक्टिव रहते हैं, बावजूद इसके लोगों में मतदान को लेकर के खूब जागरूकता यहां पर जो है वो नजर आई। क्योंकि पिछले साल कांकेर लोकसभा सीट पर अगर हम बात करते हैं 2019 के आंकड़ों के अनुसार 74.27% मतदान हुआ था, वहीं इस साल जो है ये आंकड़ा बढ़ करके 75.15% वोटिंग हुई है। यानी कि कांकेर में नक्सली इलाका होने के बावजूद इस बार लोगों ने बंपर वोटिंग जो है वो यहां पर की है। वहीं दूसरी लोकसभा यानी कि महासमुंद की बात करते हैं तो महासमुंद में पिछले वर्ष जो है 74.51% वोटिंग हुई थी, और इस वर्ष जो अगर बात करते हैं तो 73.83% मतदान किया गया। राजनांदगांव सीट पर भी इस बार मतदान जो है वो बढ़ा है, पिछले साल 74.04 ये आंकड़ा था, और इस साल जो है 76.16 जो है प्रतिशत दर्ज किया गया। कुल मिलाकर के तीनों लोकसभा सीटों पर जो है इस बार बंपर वोटिंग हुई, लोगों में मतदान को लेकर के काफी ज्यादा जागरूकता नजर आई। इसका असर जो है, जिस प्रकार से मतदान के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा था, इसका असर जो है वो कुल मिलाकर के देखने को मिला है, और दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग जो है वो छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों पर दर्ज की गई है। जिस तरीके से कांकेर की हम खास करके बात करें तो केवल 3 बजे तक का ही समय था जहां पर वोट कर सकते थे, बावजूद इसके कांकेर में नक्सलगढ़ होने के कारण भी यहां पर वोटिंग का डर था कि प्रतिशत घट सकता है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इससे जो पार्टीज है वो कितनी उत्साहित है और कितनी उम्मीद उन पार्टीज की बढ़ गई है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है मतदान प्रतिशत से काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखा गया। बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी उत्साह जो है वो जश्न मनाया गया, जिस प्रकार से मतदान हुआ है। इस बार बात करें तो चुनाव आयोग की एक बड़ी भूमिका जो है वो नजर आई, क्योंकि मतदान होने से पहले लगातार सभी जगहों पर जो है वो जागरूकता कार्यक्रम जो है अलग अलग माध्यमों से चलाए जा रहे हैं, और इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदान प्रतिशत जो है पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले जो है वो इस वर्ष जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। लोगों में जागरूकता है, सभी अगर बस्तर जैसे इलाके या कांकेर की जब हम बात करते हैं, जो कि नक्सली इलाका है, कांकेर के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि उन्हें इस बार अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, जिसके चलते काफी ज्यादा जागरूकता है, और लोग वोटिंग करने के लिए बिना किसी डर के कड़ी सुरक्षा के बीच सभी लोगों ने मतदान किया, और सभी जगह मतदान के प्रतिशत जो है वो इस बार बढ़ते नजर आए हैं। जी हसन, अब आने वाली 7 मई को
अब और 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या कुछ लगता है इसी तरीके का दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा जिस तरीके से बची हुई 7 सीटें और काफी इनमें से हाई प्रोफाइल सीटें, रायपुर सीट बची हुई है, इसी तरीके की हमें दिलचस्पी देखने को मिलेगी मतदानों में? देखिए निश्चित रूप से अब आने वाले समय में तीसरे चरण का जो मतदान है वो किया जाना है, इसमें अब राजधानी रायपुर भी शामिल है। रायपुर हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है और ऐसे में मतदान करने के लिए पहले से ही चुनाव आयोग ने राजधानी रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया है। सभी स्थानीय नेता जो है वे भी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लोगों में जो है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही ने एक और जहां घोषणा पत्र संकल्प पत्र तो वहीं मोदी की गारंटी भी है, तो ऐसे में सभी लोग जो है अपने अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। तो निश्चित रूप से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जो तीसरे चरण का जो चुनाव होना है लोकसभा का, जिसमें हाई प्रोफाइल सीट राजधानी रायपुर भी शामिल है, निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मतदान का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बढ़ने की उम्मीद और देख रहे हैं, 7 मई को जो चुनाव होगा उसमें और ज्यादा इस तरीके की उम्मीद नजर आएगी। हसन बने रहेगा हमारे साथ। अब रुक करते हैं भोपाल का, हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में तो अनुराग बंपर वोटिंग हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की हालत कुछ अलग नजर आ रही है। 2019 के मुकाबले यदि तुलना की जाए तो वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा है। पहला सवाल तो कारण क्या कुछ हो सकता है वोटिंग प्रतिशत कम होने का, क्योंकि चुनाव प्रचार दिग्गजों ने किया, केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार पहुंचा है, और इससे सबसे ज्यादा घबराहट किस पार्टी को? अपन बात करते हैं जिस पार्टी में घबराहट है उस पार्टी की सोच की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती आई है कि जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा मध्य प्रदेश में भाजपा को उतनी सफलता मिलेगी। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर मंत्री जिनकी जिम्मेदारियां तय की गई थी, हमने उदय प्रताप सिंह से बात की थी, हमने प्रत्याशी दर्शन सिंह से बात की थी, तमाम लोग एक बात कहते नजर आए कि 26 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 26 अप्रैल को नो, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि शादियां बहुत थी, लेकिन शादियों की अगर ये तारीख थी तो ये छत्तीसगढ़ में भी रही होगी, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, गर्मी बहुत थी, अगर गर्मी बहुत मध्य प्रदेश में थी तो मध्य प्रदेश से ज्यादा दूरी छत्तीसगढ़ की नहीं है, और औसतन तापमान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से ज्यादा औसतन तापमान छत्तीसगढ़ का होता है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में अगर ज्यादा वोटिंग होती है, मध्य प्रदेश में कम होती, तो इन दो कारणों को थोड़ा सा दरकिनार किया जा सकता है, कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकते कि 8% से ज्यादा जो है टोटल वोटिंग कम हो जाए। बहुत ज्यादा ये वोटिंग परसेंट में डिफरेंस है, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग टास्क बनाए थे, बूथ मैनेजमेंट किया था, ये कहा था कि हर बूथ पे हमारे 5 लोग, उसके बाद में ये कहा था 51% मिनिमम वोटिंग परसेंट, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए हर बूथ पे तय कर रही थी, इसलिए तो 75% होनी चाहिए थी वोटिंग। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि तकनीकी रूप से जो बात कही जा रही है उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट इस इलेक्शन के प्रति कम हुआ है। दरअसल उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस भी बहुत अच्छे से चुनाव मैदान में नहीं है। आप देखेंगे अगर इस पूरी फहरिस्त से पहले और दूसरे चरण की, जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार दमदार रहे हैं वहां वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा रहा है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे छिंदवाड़ा की बात करते हैं या अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, संजय शर्मा होशंगाबाद से आए तो कल होशंगाबाद का वोटिंग परसेंट बाकी जगहों की तुलना में बेहतर था, तो कांग्रेस के लिए भी वोट करने वाला नहीं निकल रहा है। भाजपा अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाई, ये बात तय है, कांग्रेस के लिए भी वोट करने वाला नहीं निकल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है महिलाएं, महिलाओं का एकदम से वोट फीसदी 8% सीधे ड्रॉप हुआ है, और उसका सबसे बड़ा कारण है लाडली बहना और शिवराज सिंह चौहान। इसको बिल्कुल दरकिनार किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ये तय किया है कि महिलाएं जो विधानसभा चुनाव में वोट देने निकली और भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई, उनमें से कुछ महिलाएं वोट देने नहीं निकली है। तो ये एक साथ बहुत सारे कारण है, और यही कारण है कि बीजेपी के चेहरे पर ज्यादा चिंता है। कांग्रेस जो कि बहुत ज्यादा इस चुनाव में मैदान में नहीं थी, अब कुछ जगहों पर अपनी उम्मीदें ज्यादा कर रही है, उसको लगता है कि 3 से 4 सीटें मिल जाएगी। पहले वो इक्का दुक्का सीटों पे उम्मीद कर रही थी, अब वो 3 से 4 सीटों पे उम्मीद कर रही है, तो ये एक बड़ा अंतर यहाँ पर आ गया है। जी जी अनुराग, ये भी समझ लेंगे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की यदि हम इसे जोड़कर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर यहाँ पर महिला वोटर्स पहुंचे थे, उनके नाम पर वोट दिया गया, लेकिन जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नए आ गए, क्या इसका असर भी देखा जा सकता है? देखिए, नए मुख्यमंत्री को लेकर कोई नकारात्मकता नहीं है, वो निगेटिविटी नहीं है, लेकिन पुराने मुख्यमंत्री के प्रति आकर्षण महिलाओं का रहा है, इसको आप नहीं नकार सकते। और भले ही अगर चेहरे को छोड़ दें, नीतियों की बात करें तो लाडली बहना का जो सीधे अटैचमेंट शिवराज सिंह चौहान से जोड़कर महिलाओं ने देखा था, और 1% वोटिंग जो मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुई थी, उस तरह का महिलाओं का रुझान इस बार नजर नहीं आता। इस पर खुल के महिलाएं उस समय भाजपा के समर्थन में आई थी, वो इस बार उस तरह से खुलकर नहीं है,
तो ये बड़ा अंतर है। ये अंतर चेहरे का नहीं है, ये अंतर उस अटैचमेंट का है जो एक पर्टिकुलर नीति के कारण हुआ, वो लाडली बहना के कारण हुआ। लाडली बहना योजना लगातार चल रही है, लेकिन महिलाओं को लगता है कि ये योजना शिवराज सिंह चौहान ने लाई है। और उसके बाद जब योजना शुरू हुई, अचानक पैसा आना शुरू हुआ, तो एक अलग उत्साह होता है। अब क्योंकि पैसा आ ही रहा है, जो बढ़ने वाली बात थी या कम होने वाली बात थी, उसके कारण भी मानसिकता पे असर पड़ता है। तो सबसे बड़ा अंतर अगर मुझे लगता है ये धूप शादियों के इधर, वो लगता है महिलाओं का वोट प्रतिशत कम होना। अनुराग, एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से मोदी लहर है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी है, क्या कुछ लोग ये सोच के नहीं निकले कि हम जाएं या ना जाएं, सरकार मोदी की ही बन रही है? हद तक ये बात है कि मोदी भाजपा जीत रही है, ये लोगों की मानसिकता है। हाँ। लेकिन उसमें भाजपा की नकारात्मकता को भी समझना होगा। कांग्रेस के प्रति नकारात्मकता इसमें तो कोई शक शुबह नहीं है, अगर ये सोच चलती है। पर ये भी समझना होगा, अगर वोट परसेंट कम है तो मोदी के प्रति लगाव कम हो रहा है थोड़ा बहुत। वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है। हर जगह पे हम जब भी जाते हैं, हम अपने जो इलेक्शन के प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे राम मंदिर से ज्यादा बेरोजगारी की बात हो रही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी की लोकप्रियता से आप चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है, भाजपा से भी संतुष्ट नहीं है। जब दोनों से संतुष्ट नहीं है, मध्यप्रदेश में बायपोलर पॉलिटिक्स है, तो लोग वोट करने किसको जाएं? तो ये एक बड़ा कारण है वोट परसेंट कम होने का। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब वोटिंग तो कम हुई है, हालांकि छत्तीसगढ़ में परिणाम अच्छे रहे हैं। हसन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा 4 जून को जिस तरीके से मतदान हुआ है, अब क्या रिजल्ट आता है और जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल छत्तीसगढ़ में बंपर वोटिंग हुई है, वहीं इस बार मध्य प्रदेश में वोटिंग का आंकड़ा जो है वो गिरा है। और आपको एक एक करके 6 सीटों के मैं आंकड़े बता दूं। होशंगाबाद में कल 57% वोटिंग हुई है, वहीं सतना में 61% वोटिंग हुई है, टीकमगढ़ में 59%, खजुराहो में 56%, दमोह में 56% और रीवा लोकसभा सीट पर सबसे कम वोटिंग यानी कि 48% वोटिंग हुई है।